जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस। एक आजा मुलाजमी कमांडर से, एक आजा मुलाजमी। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, जस्टिस वी वांट जस्टिस। हमारे एरिया ना सके जो वो सरकार निकलने है, रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार निकलने है। कॉर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, कॉर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, करते हैं हाय हाय करते हैं। रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार निकलना है, रोटी कपड़ा दे ना सके जी। कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी वेजेस पिछले मार्च 2015 से अभी पेंडिंग है। अभी हमें ये प्रॉब्लम है कि हम हर रोज़ यहाँ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कभी दो रोज़ लगेंगे, कभी कह रहे हैं कि चार रोज़ लगेंगे, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। पिछली बार इन्होंने बजट भी बनाई थी एक सब डिवीज़न ने, लेकिन दूसरे सब डिवीज़न वालों ने कहा कि हम नहीं देंगे। कभी कह रहे हैं कि आप नहीं हो, काम पर हम जाते हैं लेकिन कह रहे हैं नहीं है, हम तनख्वाह तो मिल नहीं रही है। उसके बावजूद अब उन्होंने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि हम 1994 से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने असर रसूख वाले कुछ 12 फाइलें निकाली हैं जिनकी ये दिखा रहे हैं सीरीज़ हमारी उनकी 120 से 195 तक है, जबकि हम खुद 194 से 1994 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे कुछ बंदों के जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके टोटल 20 30 70 ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने दिखाई हैं सीरीज़। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हम डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, गवर्नर साहब भी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मसले की तरह तवज्जो दी जाए और हमारा ये मसला हल किया जाए और हमारी वेजेस रिलीज़ की जाए। और ये जो 12 फाइलें हैं इनको वहीं पे रखा जाए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पूरी कमेटी बिठानी चाहिए और वहाँ पे यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, जो बाकी नायब सदर वायब सदर है, उनको भी वहाँ पे बुलाना चाहिए। इनको वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ये एक कमरे में बैठ के अपनी ही कमेटी बनाते हैं, अपने लोगों की कमेटी बनाते हैं और हमें क्या पता है ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी कह रहे हैं कि 120 सीट्स है, कभी कह रहे हैं 190 सीट्स है। मार्च 2015 से हमारी सैलरी बिल्कुल बकाया है, पेंडिंग है, को एक पैसा भी नहीं दिया गया जबकि हम काम पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेट दिया डायरेक्टर साहब ने कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो कमिश्नर साहब के पास भी पहुँची है कि हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी सैलरी देने से मना कर रहे हैं। हमारे पास